सीएम योगी का मुरादाबाद दौरा, पासिंग आउट परेड में हुए शामिल। देश में कोरोना से राहत, एक्टिव केसों की संख्या घटकर 1.58 लाख पहुंची। हापुड़ स्टेशन मास्टर को लश्कर ए तैयबा के नाम से आया पत्र, कई स्टेशनों को उड़ाने की धमकी दी गई। अखिलेश के जिन्ना पर दिए बयान पर मंत्री मोहसिन रजा बोले, बंटवारा करने वाले को ऐसे बताना देश का अपमान। प्रियंका गांधी ने जारी किया महिलाओं के लिए घोषणा पत्र, छात्राओं को स्मार्टफोन स्कूटी देने का वादा। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुरादाबाद के दौरे पर हैं। सीएम योगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी में पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इसके बाद सीएम पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में पात्रों को पीएम आवास योजना के भवनों की चाबी भी सौंपी। पुलिस लाइन में ये आवास एमडीए यानी मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से बनाए गए हैं। पुलिस एकेडमी के एडीजी जय नारायण सिंह की ओर से एकेडमी के कार्यक्रम का मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी किया गया है। तो सीएम योगी आज मुरादाबाद के दौरे पर हैं और उन्होंने कई योजनाओं की शुरुआत भी की है। आपको बता दें कि साथ ही भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी पासिंग आउट परेड में शामिल भी हुए मुख्य अतिथि के तौर पर। और इसके बाद पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में पात्रों को पीएम आवास योजना के भवनों की चाबी भी सौंपी है। और इस खबर पर मैं ज्यादा जानकारी के साथ बातचीत के लिए संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, आज क्या कुछ कार्यक्रम है सीएम योगी के? देखिए जी, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की नजदीकियां बढ़ रही हैं, वैसे वैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे के माध्यम से जनता को सौगात देते नजर आ रहे हैं। और इनका एक उद्देश्य जनता से संवाद भी जरूरी है, क्योंकि आने वाला चुनाव पास है और जनता को अपने कार्यकाल की खूबियां भी, और आने वाले समय में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनती है तो क्या कुछ सरकार द्वारा किया जाएगा, इसकी जानकारी भी आम जनता को दी जा रही है। अगर मुख्यमंत्री की आज के मुरादाबाद दौरे की बात करें तो मुख्यमंत्री आज मुरादाबाद पहुंचे हैं और उन्हें वहां पर बीआर अंबेडकर पुलिस एकेडमी में पासिंग आउट परेड की सलामी ली है। मैं आपको बता दूं, वहां पर 20 अक्टूबर पर लगभग आपके 72 डिप्टी एसपी की ट्रेनिंग शुरू हुई थी, जो कि आज खत्म हो गई है, जिसमें 17 महिला डीएसपी भी है, तो उनकी पासिंग आउट सलामी भी ली है। इसके बाद मुख्यमंत्री का पुलिस लाइन में एक कार्यक्रम और भी है, जिसमें जो कि मुरादाबाद की जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके द्वारा प्रधानमंत्री आवास, जिससे लगभग 17-27 प्रधानमंत्री आवास की बात हुई थी, हालांकि काम को तेजी से करते हुए महज 1008 प्रधानमंत्री आवास बन चुके हैं, जिनकी कीमत 4.5 लाख है। उनके लाभार्थियों को मुख्यमंत्री 1008 जो आपके प्रधानमंत्री आवास है उनकी चाबी सौंपते नजर आएंगे। इस कार्यक्रम में उनके साथ प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह भी मौजूद रहेंगे। जी, तो गौरव, क्या आज पूरा दिन सीएम योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद में ही रहेंगे? नहीं, मुख्यमंत्री वहां से लगभग मेरा मानना है कि लगभग 1 बजे के लगभग वहां से वापसी भी करेंगे, क्योंकि उनके लखनऊ में भी कई कार्यक्रम हैं और माना जा सकता है कि अयोध्या में जिस तरह से दीपोत्सव पर कार्यक्रम किया जा रहा है उसकी तैयारियों को जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री अयोध्या भी जा सकते हैं। हालांकि अभी सूचना ऐसी नहीं है, पर सूत्र बताते हैं कि हो सकता है वहां भी जाएं, क्योंकि बड़ा कार्यक्रम है और जैसे कि उनके शासनकाल में ये 5वां दीपोत्सव कार्यक्रम रहेगा, तो आखिरी उनकी सरकार का आखिरी कार्यक्रम है। अब भविष्य में भाजपा सरकार बनती है तब भी कार्यक्रम जारी रहेगा या अन्य सरकार की, वो तो फिलहाल वक्त बताएगा, पर जिस तरह से उनका काम चल रहा है और दीपोत्सव की तैयारियां चल रही हैं तो माना जा सकता है कि मुख्यमंत्री अयोध्या भी जा सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गौरव जुड़े थे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज मुरादाबाद के दौरे पर हैं और वहां के तमाम कार्यक्रमों को निपटा के पूरा करके वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। उसके बाद लखनऊ में जो कुछ कार्यक्रम है और साथ ही अयोध्या जाने की भी सूत्रों से खबर मिल रही है। रुक करते अगली खबर की तरफ। फतेहपुर के विकासखंड देवमई के कौड़िया में प्राथमिक विद्यालय में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती पर ज्योति संचय आई हॉस्पिटल द्वारा निशुल्क नेत्र परीक्षण एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें आंखों की जांच की गई है। नेत्र परीक्षण सर्वेश पटेल ने बताया कि इस शिविर में 40 लोगों का परीक्षण हुआ है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला समेत 17 मरीजों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए ज्योति संचय आई हॉस्पिटल भेजा गया है।
फतेहपुर जनपद के हदगांव थाना क्षेत्र में लगभग 5 सालों से मुशायरे का आयोजन किया जा रहा है। इस मुशायरे में कुछ खास चीजें हैं, जिसमें कि इंटरनेशनल और मशहूर कवि शिव शरण बंधु हदगामी, जो कि एक देश के माने हुए मशहूर कवि हैं, बंधु की अध्यक्षता में मंच संचालन हुआ, जिसमें कि खाद्य रसद मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की। संभल में समाजवादी पार्टी नेता कमाल अख्तर का फूल मालाएं पहनाकर सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष फिरोज खान ने सराय 3 पकवाबाग कार्यालय में जोरदार स्वागत किया। और कमाल अख्तर ने पत्रकारों से बात करते हुए 2022 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर बोलते हुए कहा कि उनके चुनावी मुद्दे बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी है। 2012 से 17 तक उनके मुखिया अखिलेश यादव ने जो विकास कार्य कराए हैं, उनका जनता उन पर पार्टी को वोट देगी और सपा की सरकार 2022 में बनेगी। हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी के कराए हुए काम, उनके विकास, उनकी नीति, उनके सिद्धांत को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। जो 2012 से 17 तक काम किए हैं वो ऐतिहासिक काम थे, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नाकाम हुई है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, जैसे लूट, अपहरण, कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है, इन सारे मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जनता एक बार फिर अखिलेश जी को मौका देगी और उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर जाएगा। संभल से विधानसभा के लिए चेहरा कौन हो सकता है, यहाँ तो कई चेहरे हैं? ये अधिकार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस किसी को भी चेहरा बनाएंगे, पूरी समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यक्रम। संभल विधानसभा बसपा के प्रत्याशी हाजी शकील अहमद के कार्यालय निवास पर पहुंचे नगीना सांसद गिरीश चंद्र। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आज यहां पार्टी के पदाधिकारियों के साथ एक मीटिंग की गई है, जिसमें आगामी विधानसभा के चुनाव के लिए रणनीति बनाई गई है और चुनाव पर चर्चा की जा रही है। पूर्व मंत्री के निष्कासन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी का कोई जनाधार कम नहीं हुआ है, बल्कि पार्टी और मजबूत हुई है। देखिए, संभल पे कोई फर्क नहीं है। संभल में, क्योंकि संभल में जब जब भी बसपा का कंजेट गड़ा है, जब जब भी संभल में बसपा का कंजेट गड़ा है, अकील रहमान साहब का कोई रोल नहीं रहा। चाहे वो बहुत अच्छा लड़े हों, साजिद सैफ भी दो बार चेयरमैन लड़ी संभल के अंदर, उन्होंने उन्हें कहीं भी लड़ा था वो नहीं कहते थे, ना उनके बूथ पर वोट मिले। बहुजन समाज पार्टी हमेशा उनके बूथों पर हारी है, इसलिए वो जो है वो संभल में राजनीति करते ही नहीं थे, वो बैजों की राजनीति करते थे। संभल में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आज संभल में संभल के चेयरमैन साहब और हमारे आने वाले समय में संभल से हमारे दमदार प्रत्याशी आज उनके आवास पर मेरा आना हुआ। मेरे साथ में हमारे पार्टी के मुख्य जॉइंट कोऑर्डिनेटर भाई साजिद सैफ साहब जी, जिलाध्यक्ष भाई जितेंद्र जी, भाई धर्मेंद्र जी, भाई संसार सिंह जी, विधानसभा अध्यक्ष हमारे रविशंकर जी और तमाम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से मेरी बात हुई। हमने चर्चा की कि संभल को लेकर जिस तरीके से चर्चा की, चुनाव आने वाले चुनाव में हम लोग क्या रणनीति आज है, इस बारे में आज मेरी चर्चा हुई। और निश्चित तौर पर संभल में जो कुछ लोग ये कहते हैं कि यहाँ पार्टी का जनाधार बहुत कम हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके के अच्युतलाल पर स्थित अखिल भारत विद्यार्थी परिषद कार्यालय के सामने कार्यकर्ताओं ने त्रिपुरा घटना को लेकर वामपंथियों का पुतला फूंका है। बांग्लादेश में हुई हिंसा के बाद त्रिपुरा में भी घटना सामने आ रही है। एबीवीपी पदाधिकारी अजय ने पुतला फूंकने के बाद बताया कि त्रिपुरा में एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर हमले के विरोध में वामपंथियों का पुतला दहन किया गया है। साथ ही मांग की गई है कि जिस तरह से वहां स्कूल पर हमला किया गया है, हमला करने वाले वामपंथी गुंडों की गिरफ्तारी का और उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से त्रिपुरा में जिस तरह से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया है, आज उसी के विरोध में हमने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अलीगढ़ महानगर में वामपंथी का पुतला फूंका है।
क्या मांगी है? हमने मांग की है कि वहाँ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के ऊपर आरकेआई स्कूल त्रिपुरा के अंदर जिस तरह से वामपंथियों के गुंडों द्वारा हमला किया गया है, तो हम वहाँ की सरकार से मांग करते हैं, त्रिपुरा राज्य की सरकार से, कि वहाँ जिन गुंडे मवालियों ने हमला किया उन सभी को जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो प्रत्येक स्कूल कॉलेज कैंपस में जाके पूरे त्रिपुरा राज्य के अंदर वहाँ का माहौल खराब करना चाहते हैं, पूरे राज्य का माहौल एक सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं। तो ऐसे सभी मवालियों को जल्दी से जल्दी त्रिपुरा राज्य की सरकार गिरफ्तार करे। देखिए मुख्य उद्देश्य यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा है कि चंदौली में एक वही चंदौली के किसान का मुद्दा जो कि समाजवादी घोषणा पत्र में जाएगा, यही मंथन करने के लिए आज बरहनी ब्लॉक में रहा और अगला डेट डाल के एक सैयद राजा ब्लॉक में धानापुर ब्लॉक में होगा। और उसके बाद कानपुर देहात के थाना राजपुर क्षेत्र के कस्बा में मामूली कहासुनी होने पर सांसद के गनर ने और पीआरओ ने व्यक्ति के साथ मारपीट की। वहीं विवाद इतना बढ़ गया कि गाली गलौच और कपड़े तक फाड़े गए। कस्बा निवासी कंचन कटारिया के साथ मारपीट की गई है और गाली गलौच भी की गई है। पुलिस अब इस मामले में जांच करेगी। कानपुर देहात से यह मामला सामने आया है जहां मामूली बात को लेकर मारपीट हुई है और गाली गलौज तक हुई और साथ ही कपड़े तक फाड़ने की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि कहासुनी होने पर सांसद के गनर और पीआरओ ने व्यक्ति को मारा है। संभल के कोट गरबी में वारसी हेल्थ केयर जिम एंड मेंस फिटनेस जॉन ने बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में एक के बाद एक बॉडी बिल्डर्स ने अपनी बॉडी का प्रदर्शन करते हुए ट्रॉफी पर कब्जा किया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर शाने रब मौजूद रहे। डॉक्टर शाने रब को बॉडी बिल्डर्स और आयोजन समिति ने शील्ड देकर सम्मानित किया। ये हम दो जिम इकट्ठे हुए हैं, वारसी हेल्थ केयर जिम और मैक्स फिटनेस जोन। हमें बड़े प्रोग्राम करने की परमिशन नहीं दी जा रही थी, इसलिए हमने अपने जिम के दोनों जिम मिला के हमने आपस में एक पार्टिसिपेशन किया है इसको, और हमने बच्चों में एक उत्साह बढ़ाया इससे। तो हमने ये चार ग्रुप में चार पोजिशन हमने रखी इसके अंदर, डेड लिफ्ट है, एक बेंच प्रेस है, एक पुशअप है और एक चिन अप है। इसमें जो लोग फर्स्ट आएंगे उनको हमने सम्मानित किया है। बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्राम हमारा निपट चुका है माशाल्लाह, और आगे उम्मीद करता हूँ और बेंच है कि हमें। चंदौली में सपा के राष्ट्रीय सचिव मनोज सिंह डब्लू भाजपा सरकार पर हमलावर रहे। सैयद राजा के रामलीला मैदान पर आयोजित किसान महापंचायत में किसान विरोधी करार दिया गया सरकार को। साथ ही आरोप लगाया कि सरकार ने आय दोगुनी करने की बात कहकर किसानों को सड़क पर लाने का काम किया है। भाजपा के लोग मंच पर किसानों का हित करने के लिए कसीदा पढ़ते हैं और किसान विरोधी कृत को अंजाम देते हैं। विरोध करने पर किसानों को लग्जरी गाड़ियों से रौंदने का काम भाजपा और भाजपा के लोगों ने किया है, जो इतिहास के पन्नों में खून से लिख दिया गया है। देखिए मुख्य उद्देश्य यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा है कि चंदौली में एक वही चंदौली के किसान का मुद्दा जो कि समाजवादी घोषणा पत्र में जाएगा, यही मंथन करने के लिए आज बरहनी ब्लॉक में रहा और अगला डेट डाल के एक सैयद राजा ब्लॉक में धानापुर ब्लॉक में होगा। थाना खीरो के सेमरी जवाहर बिहार इंटर कॉलेज परिसर में नर कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया, जबकि नर कंकाल में कीड़े पड़ चुके थे और उसका सिर धड़ से अलग होकर पेट पर रखा हुआ था। विद्यालय चौकीदार की सूचना पर पहुंची सीओ डलमऊ ने फॉरेंसिक टीम बुलाकर घटनास्थल की बारीकी से जांच कराई है। फतेहपुर जिले के लालौली थाना क्षेत्र के कोराकनक गांव में बंगेरन डेरा गांव में दोस्त ने घर बुलाकर किंगलौल की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी। विकलांग की मौत के बाद से पूरे गांव में हड़कंप मच गया है, जहां परिजनों द्वारा बताया गया कि संतोष निषाद अपने घर शराब पिलाने के लिए घर पर बुलाने गया था और जहां उसकी धारदार हथियार से गला काटकर और शरीर के कई जगहों में धारदार हथियार से हमला किया गया है। वहीं इस घटना के बाद से परिजनों में
बुरा हाल है। परिजनों ने बताया कि गांव का रहने वाला संतोष निषाद घर आया और उसे अरविंद को घर से बुलाकर ले गया, जहां उसे शराब पिलाई और उसका गला काट कर खेत में फेंक कर फरार हो गया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कल दिनांक 30/10/21 को थाना बेलोरू के ग्राम पकेरा रास्ते में उसकी मृत्यु हुई थी। मृतक के शव को पोस्टमार्टम में मर्सिडीज बुलाया गया है। मुकदमे को उचित धाराओं में तहरीर कर लिया गया है। अभी उसकी तलाश की जा रही है। फरीदाबाद के मेट्रो चौक पर एक महिला ने हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया, जिसके चलते वहीं लोगों की भीड़ जमा हो गई। दरअसल महिला जिस गाड़ी के आगे खड़ी होकर हाई वोल्टेज ड्रामा कर रही थी, वो गाड़ी एक एनजीओ की थी, जिसमें ड्रामा कर रही महिला की बेटी बैठी थी। महिला अपनी बेटी को अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन महिला की बेटी अपनी माँ के साथ नहीं जाना चाहती थी और उसने मीडिया के सामने अपनी माँ के साथ न केवल जाने से इनकार कर दिया, बल्कि अपनी ही माँ पर संगीन आरोप भी लगाए। वहीं एनजीओ की टीम में शामिल महिला ने बताया कि बच्ची के सौतेले पिता ने उसके साथ 2 साल पहले दुष्कर्म किया था। महिला का दूसरा पति जेल में है, वो बच्ची को अपने साथ लेकर उसे छुड़वाना चाहती है, लेकिन बच्ची महिला के साथ नहीं जाना चाहती। तो फरीदाबाद से ये हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया है, जहां बच्ची ने अपने सौतेले पिता और मां पर भी संगीन आरोप लगाए हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।